सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं खेम सिंह काफ़ी समय बाद आया हूँ इस YouTube चैनल पर और एक खास वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये कहूँगा कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बगल में दिया रहता है उसे दबाकर ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि हम एक ही फाइल को सभी फाइल को एक ही क्लिक में रीनेम कैसे करें, किसी भी तरह से रीनेम करनी है। हर सभी तरीके में पूरे वीडियो में तो नहीं बताने वाला क्योंकि इससे वीडियो लंबा जा सकता है। जो मेन तरीके रहते हैं वही मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो आपको उचित लगे समय रहते आप अलग अलग तरह से इस पे टॉपिक इस पे वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी समय बाद मैं इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले मेरा वैसे मन नहीं कर रहा था YouTube पर आने का, वीडियो बनाने का। हालांकि कुछ मानसिक स्थितियां भी ऐसी थी जिसके चलते मैं YouTube पर नहीं आ रहा था। हालांकि अब कोशिश करूंगा YouTube पर कुछ अपलोड करने की। और दूसरा एक माइक की क्वालिटी के चलते भी मैं सोचा था कि वीडियो कैसे बनेगा, ये कैसे होगा। हालाँकि अभी फ़िलहाल फ़ोन के माइक से ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको मेरी ओर से कुछ चीज़ें समझ ना पाए या फिर मेरी आवाज़ आपको कम से कम सुनने को मिले। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी की जो भी समस्याएं हैं चाहे रीनेम इस विषय से संबंधित हो वो समझ आ पाए, उसका समाधान मिल पाए। तो खैर अब हम सबसे पहले चलते हैं एप्लीकेशन पर। हालांकि प्ले स्टोर पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिससे आप सभी फाइलों को एक साथ रीनेम कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। हालांकि रीनेम करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं जिसका हमें हिसाब से इस्तेमाल करना रहता है। हालांकि कुछ एप्लीकेशंस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा कि फाइल के बीचों बीच जहां स्पेस होना चाहिए वहां पे अंडरस्कोर लगा देते हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि अंडरस्कोर एमओजीज और कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसको वो डाल देती है। और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है चाहे यूट्यूब डाउनलोडर हो चाहे कुछ भी है, ये इसके अलावा और क्रोम से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी कुछ एप्लीकेशंस एमओजीज डाल देती है। वरना कुछ डाउनलोड फोल्डर्स कुछ डाउनलोड्स जो ब्राउज़र में से होके आते हैं वो भी ऐसे होते हैं जो जिसमें फाइलों में अंडरस्कोर अक्सर लगा था ना, तो ज़्यादातर टॉकबैक यूज़र्स को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज उन्हीं की समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो कैसे इसका समाधान करना है आपको, सबसे पहले मैं कुछ फाइलें हैं मेरे पास पड़ी हुई जिसपे मैं अभी बहुत सारे अंडरस्कोर लगा रहा हूँ। हालांकि आपको फाइल के बारे में इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो प्ले स्टोर पे काफ़ी एप्लीकेशन मिल जाएगी, बैच रीनेमर मिल सकता है, बल्क रीनेमर और भी कई एप्लीकेशन है, लेकिन अभी जो मेरे पास एप्लीकेशन है वो है बल्क रीनेम के नाम से। ऑल फाइल रीनेमर या तरह तरह की एप्लीकेशन मिल सकती है। हालांकि आप फाइल तो रीनेम करते ही होंगे चाहे फाइल मैनेजर के ज़रिए या फिर किसी और एप्लीकेशन के ज़रिए, लेकिन कभी कभी हम एक एक फाइल को रीनेम करते करते ना बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन मिले जिससे हम कई फाइलों को एक क्लिक में रीनेम कर पाए। अगर अंडरस्कोर है तो सभी हट जाएं और उसकी जगह स्पेस लग जाए, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, संभव है, क्यों नहीं है, संभव है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपकी समस्या को समझते हुए शुरुआत भी होगी। चलिए हम एप्लीकेशन पे जाएंगे सबसे पहले। हालांकि अभी मैं स्क्रीन शो नहीं करूंगा, मैं यहाँ जाता हूँ। क्या नाम है इनका, थोड़ा सा हाँ, बल्क रीनेम के नाम से एप्लीकेशन है। बल्क रीनेम। तो बैकग्राउंड में नॉइज बहुत आ रही है तो आप मैनेज जरूर कीजिएगा क्योंकि कुत्ते भौंक रहे हैं। तो बाकी देखते हैं, यहाँ पे मैं आ गया हूँ बल्क रीनेम। यहाँ पे मेरे पास फाइलें डिवाइस स्टोरेज में .mc43। हम जरा एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मौजूद हो तो। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ फाइलों को ही रीनेम कर सकते हैं, यदि फोल्डर में भी अंडरस्कोर लगे हुए हैं ना तो उनको भी आप रीनेम कर सकते हैं अंडरस्कोर हटवा के।
तो अंडरस्कोर की जगह स्पेस होना ज़रूरी है। स्पेस नहीं होगा ना तो सारा जो है ना हॉचपॉच हो जाएगा, बहुत सारा मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर रीनेम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप इसकी सेटिंग्स को आप पहले ही समझ ले तो अच्छा है। हालांकि कुछ मेन मेन सेटिंग मैं आपको समझाऊंगा, बाद में अपने हिसाब से आप कुछ भी कर लेना चाहे तो। तो यहाँ पे डाउनलोड में मैं देखता हूँ कुछ फाइलें मेरे पास यदि होगी पड़ी गलती से। यहाँ देखता हूँ मैं पंजाब बैग। अरे क्या हो रहा है, पंजाब वॉल्यूम बैग पंजाब बैग। यहाँ पर देखता हूँ एप्पल फाइव आइटम्स फोर एप्पल है इसके दो वन शॉट्स फाइव दो इंट्रो टू बी बी इंट्रो फिल डॉट ए वन टेन ट्वेंटी नाइन। यहाँ पे शायद कुछ खास दो फिल्स एंड ब्रेक सिलेक्ट इनपुट फाइव थ्री पंजाबी बैंक ऑल अंडरस्कोर सैंपल अंडरस्कोर पैक अंडरस्कोर डीजे डी पैक वॉल्यूम पैक। हाँ ये एक फाइल है जिसमें बहुत सारे अंडरस्कोर लगे हुए हैं। पहले तो आप चाहे तो इस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, यदि किसी फोल्डर में बहुत सारी फाइल है ना तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये कैसे करना है आपको ये मैं बताता हूँ। यदि फोल्डर रीनेम करना है तो इसके आगे एक ऑप्शन आता है चेक इमेज लेआउट करके, तो उसको उससे आप फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। All underscore sample underscore. यदि फाइल रीनेम करनी है तो आप उस या तो फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर चेक इमेज लेआउट। किसी फोल्डर के अंदर की फाइल रीनेम करनी है तो एक ऑप्शन और आती है मोर में जा करके, उसको जैसे आप डबल टैप करोगे तो सामने एक पॉपअप दिखाई देगा। जैसे अभी एक फोल्डर को प्रीमियम सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ सामने एक पॉपअप मिलेगा, एक स्क्रीन में शो करता हूँ आपको। बोली वाइब्रेशन के आवाज के जरिए संगीत डकिंग बंद, दृश्य पटल पर खोजें, दृश्य पटल की यहाँ पे वो पॉपअप आप देख सकते हैं। सिलेक्ट इनपुट नेक्स्ट बटन पॉपअप विंडो सिलेक्ट ऑल सब फाइल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, हालांकि मैंने फोल्डर वगैरह का सिलेक्ट कर रखा था इसलिए सब फाइल का आ रहा है। इसके अंदर जितनी फाइल है वो सिलेक्ट होगी, बाकी अभी फिलहाल इसको मैं इग्नोर करता हूँ। डिटेल्स फॉर मैसेज दनिया garbaloops.rar पॉप अप विंडो बल्क रीनेम सिलेक्ट ऑल सब फाइल्स फॉर डिटेल्स। इसको साइड करता हूँ फिलहाल। रीनेम फॉर मैसेज थ्री फिलहाल के लिए जिसमें भी अंडरस्कोर लगा है ना इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं पहले तो। rename dot power audio one items for delete the backups one item audio थोड़ा सा टाइम लगेगा। eloquences 7 dcim 6 disk download all underscore sample more image check a map next button। तो यहां पे मैंने फाइल सिलेक्ट कर ली है, आप चाहे तो फोल्डर रीनेम करना है तो फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है, जैसे आप इस प्रोसेस को कर चुके होंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, हालांकि पहले तो मैं न्यू स्ट्रिंग पे जाता हूँ। सिलेक्ट रीनेम ऑप्शन, मैंने पहले से एक स्ट्रिंग एक्टिवेट कर रखी है इसमें। रीनेम मेनू ओपन ड्रॉप डाउन सूची क्यू पॉप न्यू कॉन्फिगरेशन बल्क रीनेम। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप चाहे तो उसमें प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह भी जोड़ सकते हैं। यदि इससे काम नहीं चलता ना, क्योंकि प्रीफिक्स सफिक्स की जरूरत कहीं कहीं पड़ जाती है, उसे हर कहीं तो नहीं पड़ती। संपादक enable to set a new base name for all files this will replace तो सभी फाइल के लिए एक बेस नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे होता है कुछ फाइलों में लिखा हुआ AVSEQ करके। यदि एक तो इसका ऐसा करके सभी फाइलों में ये AVSEQ तो लिखा रहता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर होते तो ऐसा भी आप इससे कर सकते हैं। हालांकि ये वाला फीचर माई फ्रेंड एक ऑप्शन आता है, एक एप्लीकेशन आती है फाइल मैनेजर प्लस, उसमें भी आपको ये बैच नेम का मिल जाता है, बट उसमें नाम के सिवाय और दूसरा विकल्प मिलता नहीं। हाँ अगर सेम फॉर्मेट की आपने फाइल सिलेक्ट करी है तो वो उसका फॉर्मेट एक्सटेंशन आप चेंज कर सकते हैं, फाइल एक्सटेंशन जो MP3 जो भी है,
तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन, यदि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं ना, यहाँ पे एक ऑफ स्विच है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। कैपिटलाइजेशन यदि करनी है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन रहेंगे, चेंज कैपिटलाइजेशन ऑफ द एंटायर नेम, तो ये भी आप कर सकते हैं चाहे तो। चेक नहीं किया गया, ऑल अपर केस, रेडियो बटन अक्षम, इसमें कई ऑप्शंस है, चेक नहीं किया गया। तो मैं पूरा ओवरव्यू तो नहीं दे पाऊंगा, हालांकि हो सकता है वीडियो लंबा बन जाए, कुछ मेन ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आगे मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊं। रिमूव कैरेक्टर्स मैच्ड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेस, तो ये वाला थोड़ा सा इस कुछ ऑप्शंस और ऐसे भी है जो शायद जिसको अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज करना बहुत जरूरी है। बंद बदली, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, एंड सम स्टार्ट, चेक नहीं किया गया। यहाँ पे फाइल्स की कुछ सेटिंग है, जैसे नंबर कहाँ कहाँ जो नंबर लगे है, यदि शुरू में नंबर लगे तो उसे ये हटा देगा, शुरू में यदि स्पेस लगा हुआ है, यानी ये होता है ना जैसे कैपिटल लेटर्स या किसी लेटर से पहले पहले कई फाइलों में स्पेस लगा होता है, ब्लैंक वाइट स्पेस है ना, उसको भी आप इसमें दिए हुए ऑप्शन से हटा सकते हैं यदि आपको बेकार सा लगता है ना रिनेम करते हुए, रिनेमिंग में। Replace characters or words. तो यहाँ पे एक फेवरेट ऑप्शन है, रिप्लेस करेक्टर और वर्ड, यानी कि जो करेक्टर आपको रिप्लेस करना है, आपको किस टाइप का करेक्टर रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पे जो है तय कर सकते हैं। हालांकि मुझे ज़रूरत होती है मुझे दिक्कत आती है अंडरस्कोर से, आप सभी को दिक्कत आती होगी टॉकबैक चलाते हुए किसी फाइल की रीनेमिंग के वक्त अंडरस्कोर से, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अंडरस्कोर को हटाएंगे, स्पेस लगाएंगे, अंडरस्कोर हटाएंगे, तो ऐसे में उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो टाइम वेस्टेज को बचाने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा टूल है ये, तो अभी देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं। संपादन बॉक्स, यदि आप करेक्टर को लिखना चाहते हैं पहले ही आपको ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा, ओल्ड टू न्यू, यानी कि ओल्ड में जो पुराने वाला करेक्टर है आप वो डाल दीजिए, न्यू में जो नया करेक्टर जो आप चाहते हैं वो डाल दीजिए, ठीक है। बंद बदली, अभी ये ऑप्शन बंद है, पहले तो मैं इसको ऑन करूंगा, चालू, ये ऑन हो गया। संपादन, तो ओल्ड में हमारे पास था अंडरस्कोर, तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर डाल दीजिए, तो मैं board, symbol, keyboard. कीबोर्ड में खोल देता हूँ। Open features. डॉलर चिन्ह, पाउंड, एट, जीरो, अंडरलाइन, अंडरस्कोर, bulk rename, replace characters, but, all sample, all underscore sample, live sample, replace, band, badli, pattern, remove character, end, start, check nahi kiya gaya, custom range, replace rejects, button, badlaav kiya ja raha hai, underscore, तो अब आता Show है in alphabet. तो न्यू में हमको डाल देना है स्पेस बार, board, space. रिक्ति, तो ये मैंने कर दिया है, अब कीबोर्ड को मैं कर देता हूँ कुंजी पटल, क्योंकि ये जो मेन ऑप्शन है बस वही मैं बता रहा हूँ, बाकी इसमें छोटे मोटे ऑप्शन जिनका रिव्यू मैं अभी करता हूँ, इसमें आप चाहे तो अपने हिसाब से जो बेकार बेकार के यदि नंबर है तो वो भी हटा सकते हैं, कुछ ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स वो भी चाहे तो आप हटा सकते हैं जो आपको अनवांटेड लगते हैं, यानी कि बहुत से लोगों के लिए हो सकता है अंडरस्कोर अनवांटेड करेक्टर हो फाइल नेमिंग के समय, जिससे वे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि काश इसका भी टूल होता, हालांकि ऐसे कई टूल है, यही एक टूल नहीं है, बहुत ऐसे टूल, अंडरस्कोर की जगह स्पेस डाल दो, ठीक है, आप चाहे तो एक खास करेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो सभी फाइलों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इस फाइल रिनेमर की एक दिक्कत है, यदि इसको दो या तीन से भी ज़्यादा फाइलें, यदि कुछ डुप्लीकेट फाइलें इसको मिल गई ना, जैसे एक फाइल की दो दो तीन तीन कॉपियाँ रहती है, यदि डुप्लीकेट फाइलें मिल गई तो यहाँ पर ये इंडेक्सिंग जैसे 1 2 3 4 5 6 फाइल के नाम से पहले ही आपको लगा हुआ मिलेगा, जैसे
जैसे कुछ टाइम पहले एक एल्बम में रहती थी ना 001 002 003, तो ये 1 2 3 4 5 6 करके फाइल को रीनेम करना शुरू कर देगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे कहीं ना कहीं जो है फाइल में थोड़ी बहुत दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ सकता है दोबारा से। तो इसलिए ऑटो इंडेक्सिंग वहीं चालू करें जहां आपको आवश्यकता है, अन्यथा ऑटो इंडेक्सिंग का हर कभी या हर कहीं इस्तेमाल ना करें, जो इंडेक्सिंग का रहता है। हाँ, इंडेक्सिंग का फीचर तभी चालू करता है जब इसको एक्स्ट्रा फाइलें दिखाई देती है। तो खैर, अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट बटन, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन इसमें वैसे है नहीं, थोड़ी बहुत पृष्ठ कुछ बनाने को या बताने को रह जाए तो आने वाले समय में इस वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं, यहाँ पे वो फाइल दिखाएगा जिस पे आपको चेंज लाना है। चेक नहीं। स्लैश स्टोरेज स्लैश एमुलेट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, आप कॉपी इसको करना चाहते हैं कि रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यदि आप कॉपी नहीं करना चाहते तो आप फिलहाल रिप्लेस वाले को मार्क कीजिए, कॉपी करना है तो कॉपी को मार्क कीजिए, ठीक है, मतलब दो कॉपी वाले इस पे टिक कर दीजिए। सेलेक्ट बट चेक नहीं किया गया, चेक नहीं, नो ऑप्शन सिलेक्टेड। अभी सामने लिखा आ रहा है नो ऑप्शन सिलेक्टेड, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन चेक नहीं किया करता हूं। चेक किया गया, यदि मैं रिप्लेस वाला सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे आएगा द सिलेक्टेड फाइल्स विल बी रीनेम्ड। यदि मैं पीछे वाला सिलेक्ट करता हूं चेक नहीं, चेक प्रीव्यू The selected files will be copied, renamed and placed into the selected output folder. हाँ, तो जो फाइल है वो कॉपी तो हो जाएगी लेकिन सिलेक्टेड फोल्डर में आपके चले। चेक नहीं। The select खैर, मुझे फाइल रिप्लेस करनी है, कॉपी नहीं करनी मुझे। तो ये वाला प्रोसेस ये इसका सेकंड यानी कि लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं। इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आउटपुट, यदि फाइलें थोड़ी सी है तब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यदि फाइलें बहुत सारी है जैसे एक फोल्डर में 20 फाइलें हैं, 30 फाइलें हैं, 100-200 फाइलें हैं, तो उसमें भी रीनेम होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि 1000 के करीब फाइलें हैं तो उसमें हो सकता है 1 से 1.5 मिनट ये रीनेम करने को ले, क्योंकि भाई समय तो लगता है। Out. Action. लेकिन चुटकियों में काम हो जाएगा। Preferences layout. बाकी जो प्रेफरेंसेज लेआउट ये इसका कुछ सेटिंग्स है जहाँ पे आप इसकी प्रेफरेंसेज थीम या जो भी है ये सब चेंज कर सकते हैं, जो इसकी सेटिंग्स है रहती है। स्टार्ट बट तो एक ऑप्शन और मिलता है हमको, स्टार्ट। यदि स्टार्ट से पहले आपको याद आता कि मुझे और भी चीज़ें करनी है तो आप इससे पीछे एक और बटन मिलता है बट इससे पीछे प्रेव का ऑप्शन प्रेव बटन मिलता है। प्रेफरेंसेस लेआउट एक प्रेफरेंसेज का है। प्रेव बटन प्रेव यानी कि पिछले पेज पे यदि आप जाना चाहते तो उसमें ये काम आएगा। स्टार्ट यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर देंगे अभी। सक्सेस ऑपरेशन कंप्लीट, तो इसने वो दिया सक्सेस ऑपरेशन कंप्लीट। यदि थोड़ी सी अगर पहले से रीनेम हुई कुछ फाइलें होगी तो पहले कह देगा स्किप फाइल, सम फाइल आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। जो अंडरस्कोर वाली है वो ऑलरेडी रीनेम हो जाएगी। तो पहले हमारे पास फाइल ऐसी थी, पहला रिजल्ट ये था कि उसमें अंडरस्कोर बहुत सारे लगे थे, लेकिन अब का रिजल्ट आप सुनिए। Both rename all sample pack DJD pack remix.zip 9620। तो इस फाइल में काफी सारे मतलब WhatsApp business लगे हुए थे, लेकिन अब क्या हो गया है, जो फाइल है उससे अंडरस्कोर नाम का जो एक साइन है वो हट चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, हो सकता है आपने स्क्रीन पे भी ध्यानपूर्वक देखा होगा, और जो सुनने वाले हैं वो टॉकबैक के जरिए भी सुन रहे होंगे इस ऑडियो को। तो यदि आपके इस एप्लीकेशन से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल होंगे तो आप के लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है ना, बस उसको भरने की शुरुआत कर दीजिएगा। हाँ, बस जैसे वीडियो मैं लाऊंगा, जैसे वीडियो आप सभी के बीच पहुंच जाएगा ना, तो सुबह तक या जब भी आपके पास समय हो ना तो भर दीजिए इस कमेंट बॉक्स को, क्योंकि काफ़ी समय बाद इस चैनल पे वीडियो आ रहा है, और इतने समय बाद वीडियो किसी चैनल पर आ रहा है तो एक आम बात होती है। हालांकि कुछ समय बाद ही वीडियो आ रहा है तो अपने आप में एक बात तो रहती है। फिलहाल ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा,
यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पड़ा ही है, बस उस पर अपनी बात रख दीजिए, जब समय मिलेगा तो उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी। और मज़े की बात तो ये है कि अब किसी न किसी टॉपिक पे वीडियोस आती रहेगी, बस एक निर्धारित समय मैं रखूँगा। हालांकि हो सकता है अभी चैनल को इम्प्रूव होने में या आगे निकलने में थोड़ा सा समय लग जाए, तो इसलिए हमारे इस चैनल के साथ लगातार बने रहिए। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करते जाइए, क्योंकि इसी से ही हमारा मनोबल भी बढ़ता है और ये भी महसूस होता है कि किसी न किसी की आवश्यकता तो पूरी हो रही है, वो भी इस वीडियो के चलते। खैर, मैं इजाज़त लेता हूँ और किसी खास वीडियो के साथ मैं आप सबके बीच आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।